नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मेरे घर में थोड़ा सा चावल बच गया था रात का। इस चावल से मैं आपको एक बेहतरीन सा रोटी बना के दिखाऊंगी। तो चावल मैं मिक्सर का जार ली हूँ और इसमें मैं ये चावल डाल लेती हूँ। थोड़ा लेना है इसको, इसमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ प्लेन ही रखना है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें चावल ले लिया, एक छोटी सी जार में मैंने इसको पूरा भर लिया है। अब मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी और इसको अच्छे से पीस लूंगी। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको अच्छे से बारीक एकदम पीस लिया। अभी मैं इसमें पानी नहीं डाली हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी लेकिन अभी नहीं। तो मैंने इसको पीस के रख लिया है। अब मैं इसको साइड में कर देती हूँ, आगे का कार्यक्रम। अब मैं इसको मिक्सर के जार से निकाल के कटोरे में रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा इसको एकदम बारीक भी नहीं करना था, मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया है। और पानी अभी नहीं डाली हूँ, मैं सिर्फ चावल को ही पीसी हूँ। तो अब मैं चावल को इसमें निकाल लिया बोल में, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी। ये सारा चावल पीस के मैंने निकाल लिया है। इसमें सिर्फ हमें नमक डालना है थोड़ा सा, अभी नहीं डालूंगी। आप देख पा रहे हैं, मैंने एक उबला हुआ आलू यहाँ पे लिया है और ये मैंने कद्दूकस लिया है। मैं इससे इस चावल का जो मैंने पेस्ट बनाया उसमें कद्दूकस कर लेती हूँ आलू का। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने आलू को इसमें अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी थोड़ा सा, मैंने आधा गिलास भी कम पानी लिया है। अब वो पूरा पानी मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से आलू को चावल के पेस्ट में अच्छे से मिक्स करूंगी। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच से भी कम, मतलब एक चुटकी के बराबर खाने वाला सोडा डालूंगी, बस हल्का था। मैंने इसको डाल दिया थोड़ा सा खाने वाला सोडा। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, आधा चम्मच, आधा चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी। और एक चम्मच मैं इसमें देसी घी डालूंगी, एक चम्मच देसी घी डालूंगी। अब मैं इसको अच्छे से और फेटूंगी, एकदम इसमें एक भी लेंथ नहीं होना चाहिए, सारा आराम से इसको ख़त्म हो जाए सब। जैसे आप देख पा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से मेरा पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ और अब मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे तवा रख दिया है। अब मैं इसमें हल्का सा चारों तरफ तेल या घी जो भी है आपके पास, कुछ भी आप इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चम्मच उठा लिया और मैं इसको तवा पे आराम से डाल दूंगी और धीरे धीरे करके मैं फैला दूंगी पूरे तरफ। छोटा ही बना लीजिए, बड़ा बना लीजिए, आपको जैसा भी खाना है, लेकिन ये थोड़ा मोटा रहता है तभी ये खाने में मज़ा देता है। इसको ज़्यादा पतला आप मत बनाइएगा, ज़्यादा पतले से दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने इसको इतना ही लिया है, मैं इस तरह से इसको फैला दूंगी तवे पे थोड़ा सा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पराठे को मैंने अच्छे से पलट दिया है। ये चावल का रोटी या पराठा कुछ भी बोल सकते हैं, पर है ये चावल का। अब मैं इसको, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा चावल रात का बचा हुआ था उससे मैंने चावल की रोटी बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी। उसके साथ में आलू बनाई हूँ, प्लेन आलू और प्लेन चावल का रोटी, इससे बहुत सुंदर लगता है। अगर आप लोगों को ये चावल की रोटी पसंद आती है, ऐसे करिए, फटाक से तोड़िए और आलू में लगाइए इस तरह से, बहुत टेस्टी आलू बना है। और पराठे की तो कमाल ही है, खाइए मस्त, बहुत ही प्यारा बना है। आप इसको एक बार अपने घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, चावल के बचे हुए चावल के पराठे। अगर मेरे पराठे और आलू आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। देखो बनाइए।